हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं कर्ट लेविन की फील्ड थियरी के बारे में। ये स्पेसिफिकली यूजीसी नेट पेपर 2 जब आप एजुकेशन में देते हैं उस टाइम पे ये सिलेबस में मेंशन होती है। बीएड के एग्जाम्स में ये मैंने आज तक जो है वो देखी नहीं है किसी एग्जाम में या किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इसको मेंशन, बट स्टिल फिर भी अगर किसी यूनिवर्सिटी में हो तो आप ये देख सकते हैं। दूसरा जो है, जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हों KVS NVS या फिर जो स्टेट लेवल के या यूनियन टेरिटरी लेवल के हैं DSSSB या फिर रीट, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम इसमें दोनों एस्पेक्ट जो है कि इसका थियोरिटिकल एस्पेक्ट कि अगर थियोरी के एग्जाम में आपको लिखना पड़े तो आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और दूसरा कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तब किस तरीके से जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। थियोरी शुरू करने से पहले कर्ट लेविन के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्ट लेविन कई बार थियोरी के बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन कर्ट लेविन ने जो है कौन सी बुक लिखी है या फिर इनको फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी बोला जाता है वो भी आपको जो है एक बार पता होना चाहिए। तो ये जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, क्योंकि ये जर्मनी में जो है वो पैदा हुए थे लेकिन फिर अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। फिर आता है, इन्होंने एक स्टेटमेंट जो है वो दी थी, उसके बेसिस पे हम इनकी थियरी को बहुत इजीली समझ सकते हैं या इनके थॉट प्रोसेस को जो है वो बहुत इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि ये जेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है उसके फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। तो लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज एन एक्टिव रादर देन अ पैसिव प्रोसेस। तो लर्निंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव तभी होगी कि जब आप एक्टिव लर्निंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक्टिव लर्निंग को जो है ये सपोर्ट करते हैं। और इनकी जो अभी फील्ड थियरी, क्योंकि फील्ड थियरी जब हम नाम सुनते हैं तो ये मोस्टली साइंस का टॉपिक हमें सूझता है कि अच्छा फील्ड थियरी होगी, क्योंकि फील्ड से रिलेटेड बातें, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो वो सारी चीज़ें कहाँ बात होती हैं, नॉर्मली साइंस में होती हैं। तो ये हाईली इन्फ्लुएंस्ड थे आइंस्टाइन से, और इसीलिए जो इनका आइंस्टाइन का जो आइडिया था फील्ड फिजिक्स का वो इन्होंने साइकोलॉजी में यूज़ किया। तो इसीलिए साइकोलॉजी में इनकी थियरी का नाम फील्ड थियरी जो है वो 1917 में इन्होंने फील्ड थियरी दी। अब एक बुक है जो पब्लिश हुई इनका पेपर या बुक, डायनेमिक थियरी ऑफ पर्सनालिटी जो है वो कर्ट लेविन के द्वारा पब्लिश या लिखा हुआ है। लेविन को जो है फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। ऑब्वियसली इन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को किसमें यूज किया, साइकोलॉजी में, तो मॉडर्न चीजों को साइकोलॉजी में यूज किया, इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी जो है इनको बोला जाता है। अब कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कर्ट लेविन के बारे में पता होनी चाहिए जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं। सबसे पहला तो एक्शन रिसर्च जो टर्म है वो किसने दी थी, कर्ट लेविन ने। तो क्योंकि एक्शन रिसर्च इन माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स करके इनका एक पेपर जो है वो पब्लिश हुआ था, उसमें इन्होंने एक्शन रिसर्च को डिफाइन किया था। और एक्शन रिसर्च बेसिकली टर्म अगर हम बात करें कि किसने दी थी, तो वो टर्म कर्ट लेविन ने दी थी। अब ये उस रिसर्च पेपर में क्या बात करते हैं, कंपैरेटिव रिसर्च की बात करते हैं कि जो एक्शन रिसर्च है वो कंपैरेटिव रिसर्च है, जो कि कंडीशंस और जो आसपास के इफेक्ट हैं, सोशल सिचुएशंस हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरी जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो है कि लेविन, लिपिट और वाइट, ये तीन की तीनों ने मिलके एक साइंटिफिक स्टडी की थी, जिसको क्या बोल देते हैं, लेविन, लिपिट और वाइट स्टडी। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये किससे रिलेटेड है उतना जानना बहुत जरूरी है कि ये लीडरशिप स्टाइल से रिलेटेड थी। इस थियरी में इन्होंने क्या किया था, स्कूल के जो बच्चे थे उनको काम असाइन, टास्क जो है वो असाइन किए थे, और लीडरशिप स्टाइल्स में से कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेटर है वो जानने की कोशिश की थी। और इन्होंने डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो स्टाइल है उसको सुपीरियर बताया था बाकी जितने भी स्टाइल हैं उनसे। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल की स्टडी है वो भी, उसमें भी लेविन का जो है वो इंक्लूजन है, इंक्लूड थे वो इस स्टडी में भी। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप कर्ट लेविन के बारे में जान रहे हैं। फील्ड थियरी की बात करते हैं, कर्ट लेविन की फील्ड थियरी बात करती है कि जो बिहेवियर है बच्चे का लगा लीजिए या इंसान का लगा लीजिए, तो जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किसकी वजह से होता है, वो इंडिविजुअल का और एनवायरमेंट का रिजल्ट होता है। यानी कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, आपके एनवायरमेंट पर डिपेंड करेगा। अगर बच्चा जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसी चीज़ पर किसी पर्टिकुलर वे में, तो आपको ये जानना जरूरी है, आपको ये देखना पड़ेगा कि उस बच्चे का एनवायरमेंट क्या है। तो बिहेवियर को इन्होंने एनवायरमेंट से जो है वो कनेक्ट किया था, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है।
कर्ट लेविन ने जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया था, जो मैंने आपको बताया कि जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंडर ये काम करते थे, या उस तरीके से इनका काम था, या उससे जेस्टाल्ट साइकोलॉजी की जो टर्म्स हैं, जैसे कि जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर हम किस बारे में पढ़ते हैं, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी बात करती है होल टू पार्ट की, यानी कि आप एक बार कंप्लीट एनालाइज कर लें चीज को, फिर आप जो है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके डिटेल में स्टडी करते हैं, तो वो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फादर जो है वो कौन होंगे, वो मैक्स वर्दीमेयर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे कर्ट लेविन जो थे, लेकिन फादर ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी कर्ट लेविन नहीं थे, वो मैक्स वर्दीमेयर थे। और ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जो कर्ट लेविन की लर्निंग की जो ये थियरी है जो हमने पढ़नी थी, वो थियरी आपको ये डायग्राम देख के इजिली समझ आ जाएगी। इसके अलावा जब आप थियरी में थियोरिटिकल एग्जाम्स लिख रहे हैं तो आपको इन्हीं चीज़ों को फर्दर एक्सप्लेन करना है। तो ये क्या बात करते हैं कि पर्सन है जो कि सेंटर ऑफ द स्टोरी होगा बेसिकली। अब इस सेंटर ऑफ द स्टोरी जो पर्सन है उसका एक पर्टिकुलर गोल होगा। अब गोल तक पहुंचने के लिए, अब गोल है या गोल का होना भी अपने आप में क्या है, एक अच्छी चीज है कि आपको अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन है या ड्राइविंग फोर्स है आपका कुछ ना कुछ। तो जैसे साइंस में हम वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने दो वेक्टर की बात की है। और जब हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वेक्टर में क्या आ जाता है, डायरेक्शन आ जाती है। तो ड्राइविंग फोर्स क्या करेगा, वो पर्सन की तरफ है, यानी कि अट्रैक्ट कर रहा है वो, क्योंकि पर्सन ड्राइविंग फोर्स की वजह से क्या होगा, पर्सन अपने गोल की तरफ ओरिएंटेड होगा कि आपका भाई आपके अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो वो जो गवर्नमेंट जॉब चाहिए वाला जो अंदर से मोटिवेशन आ रहा है वो क्या है, गवर्नमेंट जॉब आपका अब ड्राइविंग फोर्स हो गया। तो वो क्या करेगा, वो ये वाला फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा। सेकेंड वेक्टर क्या है कि कुछ एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स या बैरियर्स हो सकते हैं, वो बैरियर्स क्या करेंगे, वो इस पर्सन को गोल तक पहुंचने में जो है बाधाएं बनेंगी बेसिकली। तो वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स होंगे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और आपको गोल से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ड्राइविंग फोर्स क्या था, आपका जॉब थी कि आपको जॉब लेनी है और एग्जाम सर पे है, लेकिन रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या है, हो सकता है आपके पास बुक की अवेलेबिलिटी ना हो सकता है बुक के साथ साथ आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ना हो कि आप यूट्यूब पे जो है वीडियोस देख के पढ़ाई कर लें। तो वो चीज़ क्या होगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग गई, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है हमारे, ये तीन तरीके से हो सकता है। कैसे, वेक्टर ड्राइविंग फोर्स भी सेम डायरेक्शन में है कि आपको जॉब चाहिए, रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया कि आपके पास बुक्स नहीं है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपके पास ड्राइविंग फोर्स है कि आपको जॉब भी चाहिए, इंट्रिंसिकली इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और आपके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो ये क्या हो गया, ये दोनों डायरेक्शन सेम हो गई। तो जब आपके पास एक वेक्टर होता है तो आप सेम डायरेक्शन में चलते हैं जो उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। लेकिन जब आपके पास दो वेक्टर हैं, तो हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर हैं जो कि एक पर्सन, ये एक वेक्टर क्या है, ड्राइविंग फोर्स से रिलेटेड है और दूसरा क्या है, रीस्ट्रेनिंग, यानी जो अपोज कर रहा है उस चीज का। तो अब यहाँ पे जब दो वेक्टर आपके पास हैं तो आप उन दो वेक्टर की इंटेंसिटी के बेसिस पे एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप जो आपके पास जो ऑलरेडी स्कूल लेवल की बुक्स पढ़ी हैं या जो भी आपके पास चीजें अवेलेबल हैं, आप उसमें ही क्या कर रहे हैं, अपना पूरा का पूरा 100% दे रहे हैं और आपको जॉब मिल गई, आपने गोल अचीव कर लिया। तो ये क्या हो गया कि आपने ये जो ड्राइविंग फोर्स का जो वेक्टर था इसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी और आपके जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स थे वो थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे कि वो ड्राइविंग फोर्स को या आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को या आपके दृढ़ निश्चय को तोड़ पाए। तो वो क्या हो गया, ये अब जो रिजल्टेंट निकल के आया वो क्या आया, वो ड्राइविंग फोर्स वाली साइड पे निकल के आया कि आपको जो है गोल आपने अचीव कर लिया। अपोजिट भी हो सकता है कि आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है लेकिन आप फिर क्या कर रहे हैं, जो आपके रिस्ट्रेनिंग फोर्स हैं आप उनको रीजन बना रहे हैं, एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मेरे पास तो बुक्स ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं, ठीक है। तो वो वहाँ उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स वाला वेक्टर है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जो है गोल से दूर होते चले जाएंगे, उसके पास नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। एक है कि ना तो आपके अंदर ड्राइविंग फोर्स है ना ही आपके पास जो है ना, फिर रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस का तो कोई लेना देना ही नहीं बचेगा जब आपके अंदर ड्राइविंग फोर्स नहीं, आप चाहते ही नहीं वो चीज करना। अब आपके पापा के पास या आपकी फैमिली में ऑलरेडी इतने अमीर हैं, पैसे हैं और आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है कि आपको जॉब चाहिए, तो वो चीज क्या हो जाएगी, फिर वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी इन चीजों के। तो जो वेक्टर है, समझाने का मतलब क्या है कि पर्सन जो है वो सेंटर ऑफ द स्टोरी है, वेक्टर्स दो, यहाँ दो वेक्टर की बात की गई है,
जिनमें से क्या जाएंगे ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स। बैरियर्स जो हैं वो क्या होंगे, आपके बीच में बाधाएं होंगी जो आपको काम करने से रोकेंगी। दूसरा जो है, अब ये जो सर्कल इन्होंने पहला जो यहाँ पे ओवल शेप ये जो बना रखी है बाउंड्री, ये क्या है, बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस, यानी कि ये पर्सन का पूरा लाइफ स्पेस है, ठीक है। उसके अंदर जो होगा, अब ये जो एनवायरमेंट है, क्योंकि पर्सन तो यहाँ पे है, अब जो पर्सन और ये जो बाउंड्री के बीच में जगह बची है, ये क्या है, साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट। तो आपका जो एनवायरमेंट होगा आसपास का, वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा चीज़ों को, किस चीज़ के लिए, आपके गोल को अचीव करने या ना करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है, ये कर्ट लेविन की थियोरी है, फील्ड थियोरी है, क्योंकि ये एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। एक पर्सन के अराउंड जो फील्ड होगा, जो फैक्टर्स होंगे, जो वेक्टर होंगे और फैक्टर होंगे, दोनों की बात कर रहा है ये। तो ये क्या हो गई, ओवरऑल थियरी हो गई। अब हम फीचर्स देख लेते हैं एक बार। अब हमने क्या बोला कि जो बिहेवियर है पर्सन का, वो क्या करेगा, एनवायरमेंट पे डिपेंड है। तो जब हम साइंस की बात करते हैं या मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो आपने यूजुअली सुना होगा कि एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, यानी कि x जो है वो y के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या इक्वेशन हो जाएगी, b इज द फंक्शन ऑफ p एंड e, यानी कि जो बिहेवियर है, जो आपका बिहेवियर निकल के आएगा, वो किसका फंक्शन होगा, उस पर्सन का। बेसिकली वो पर्सन इंट्रिंसिकली क्या चाहता है, प्लस एनवायरमेंट का, कि उसका एनवायरमेंट कैसा है। तो बिहेवियर का जो ये जो रिलेशन इन्होंने बताया है, यही जो है लेविन की फील्ड थियरी है। तो इन्होंने अब अगर हम फीचर्स अगर हमें लिखने पड़े कहीं पे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना काफी है आपके लिए जानना कि ये थियरी थी। उसके बाद ये जो है इनकी क्या है, इक्वेशन हो गई। ऑल्दो आप सुन पूरी वीडियो, फिर भी सकते हैं, आपको इजीली और बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। तो फीचर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, कि बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ फील्ड दैट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ बिहेवियर अकर्स, यानी कि अब ये फंक्शन ऑफ फील्ड बोल दिया इन्होंने, तो फील्ड में क्या क्या चीजें आ गई, पर्सन और एनवायरमेंट दोनों चीजें इंक्लूड हो गई। तो बिहेवियर किसका फंक्शन हो गया, पर्सन और एनवायरमेंट का, और ये उस टाइम पे एग्जिस्ट करता है, जिस उस फील्ड की बात हो रही है, उस एनवायरमेंट की बात हो रही है, जब पर्सन ने बिहेव किया है या जब पर्सन ने रिएक्ट किया है किसी चीज के लिए। फिर है एनालिसिस बिगिंस विद द सिचुएशन एज अ होल। हमने क्या बोला था, कर्ट लेविन जो है वो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं, और जेस्टाल्ट साइकोलॉजी मैंने आपको क्या बताई, होल टू पार्ट की बात करती है। तो ये एनालिसिस कहाँ से शुरू होगा, एज अ होल शुरू होगा, फ्रॉम विच कॉम्पोनेंट पार्ट्स आर डिफ्रेंशिएटेड, तब आप उसमें से फिर कॉम्पोनेंट्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग निकालेंगे। कॉन्क्रीट पर्सन इन अ कॉन्क्रीट सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली, जो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है कि इंसान कॉन्क्रीट है और सिचुएशन भी कॉन्क्रीट है, कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो उसको मैथमेटिकली आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उसको शो कर सकते हैं। फिर है कुछ एक टर्म्स हैं, जैसे टोपोलॉजी में इंक्लूड कर रहे हैं ये लाइफ स्पेस को, जो हमने डायग्राम में, जो पीछे हमने ये जो डायग्राम था इसमें बात की, कि ये जो बाउंड्री है ये क्या है, लाइफ स्पेस है। फिर है साइकोलॉजी में क्या आ गई, साइकोलॉजी यानी कि जो आपके कोग्निटिव लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं, संज्ञानात्मक लेवल पे, कि नीड है, एस्पिरेशन है, तो वो चीज़ें किस में आ गई, साइकोलॉजी में। सोशियोलॉजी में क्या आ गया, कि आपका एनवायरमेंट आसपास का, और जो फोर्सेस की हमने बात की थी, ये फोर्सेज भी एनवायरमेंट में इंक्लूड होंगे ऑब्वियसली। तो ये जो फोर्सेज हैं, बैरियर है, या जो फोर्सेज में ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, एक तरीके से मोटिव होगा। तो जो फोर्स, फील्ड, मोटिव, ये जो चीज़ें हैं, ये एनवायरमेंट में इंक्लूड हुई, तो सोशियोलॉजी में या आसपास की चीज़ों में चीजें इंक्लूड हो गई। और इनको मिला के ये जो हमने सारी चीजें पढ़ी, कि पर्सन जो इसके मोटिव्स हैं, या फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स, रिस्ट्रेनिंग फोर्स, लाइफ स्पेस, ये सारे मिला के एक इंटीग्रेटेड वे में काम करेंगे जब हम लर्निंग की बात करते हैं, स्पेसिफिकली जब कर्ट लेविन लर्निंग की बात करते हैं। अब जो हमने बात की थी कि ये जो स्पेस है, अगर आपको थियोरेटिकल लेवल पे लिखना हो, ऑल्दो हम प्रैक्टिकली एक बार समझ चुके हैं कि क्या क्या है, तो अगर आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख पाए इजिली तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिख पाए तो इस तरीके की डेफिनेशन जो है आप देख सकते हैं, कि लाइफ स्पेस क्या है, साइकोलॉजिकल फील्ड है कंप्लीट, जहां पे क्या हो रहा है, द साइकोलॉजिकल फील्ड इज द स्पेस इन विच द पर्सन मूव साइकोलॉजिकली, यानी कि आप सोच रहे हैं। और साइकोलॉजिकल फील्ड में हमने क्या क्या चीजें इंक्लूड की थी,
कि आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है, आपका जो है रीस्ट्रेनिंग फोर्स क्या है, मोटिव्स क्या हैं, तो वो चीजें क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल पे हैं आपकी। फिर इट कंटेन होल ऑफ वन साइकोलॉजिकल रियलिटी वन सेल्फ, तो ये पूरा का पूरा लाइफ स्पेस में एनवायरमेंट की, पर्सन की, साइकोलॉजी की, हर चीज की बात हो रही है। अब पर्सन इन द लाइफ स्पेस, अब उस लाइफ स्पेस में जो हमने पढ़ा था उसके अंदर एक सेंटर पॉइंट क्या था, पर्सन था, जिसके अराउंड सारी चीजें क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं। वेक्टर हमने क्या पढ़ा कि जो इन्फ्लुएंस कर रहा है चीजों को, गोल के पास जाने में या फिर गोल से दूर जाने में, पर्सन को जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो हमने दो तरीके के वेक्टर्स यहाँ पे पढ़े। एक वेक्टर होगा जो कि आपको टुवर्ड्स द गोल लेके जाएगा, यानी आपका ड्राइविंग फोर्स, और एक है रीस्ट्रेनिंग फोर्स जो कि आपको गोल से दूर लेके जाएगा। तो ये वेक्टर पढ़े हमने। गोल क्या होगा जो आपने अचीव करना है स्पेसिफिकली, बैरियर जो उसके अचीव जो एम है आपका उसको अचीव करने में क्या है बाधाएं बन रही है, वो बैरियर हो जाएंगे। एक वैलेंस वर्ड जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वैलेंस वर्ड जो है इस थ्योरी में यूज किया गया है, और वो वैलेंस वर्ड का मतलब वही हो जाता है कि पर्सन जो है अट्रैक्टिव है ऑब्जेक्ट की साइड, तो पॉजिटिव वैलेंस। अगर रिपेल है या दूर जा रहा है गोल से या ऑब्जेक्ट से, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव वैलेंस। इसकी वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, जो मैंने आपको वेक्टर में बताया था कि पॉजिटिव वैलेंस या फिर साइमल्टेनियसली पॉजिटिव नेगेटिव होगा। कि पॉजिटिव में जैसे एग्जांपल जो है यहाँ पे बहुत सही है कि बच्चे को जो है पिकनिक जाने में और बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में दो ऑप्शन मिल रहे हैं बच्चे को, तो अब उन दो ऑप्शन दोनों के दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है उसके पास, या तो वो खेले या फिर पिकनिक जाए, पिकनिक जाके भी उसने अल्टीमेटली खेलना है, तो वो दो पॉजिटिव बैलेंस हो गए, दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे उसको, इसीलिए वो पॉजिटिव है। साइमल्टेनियसली अगर पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस की बात करें, तो उसमें क्या आ जाएगा कि बच्चे को एक साइड से रिवॉर्ड ऑफर हो रहा है, यानी ऑफर फॉर अ रिवॉर्ड फॉर द स्कूल टास्क, लेकिन उसका मन नहीं है वो टास्क करने का, तो ये दो दो उल्टी चीजें हो गई। यानी उसको रिवॉर्ड मिल रहा है वो पॉजिटिव वैलेंस हो गया, अब रिवॉर्ड या प्राइज मिल रहा है उसकी साइड तो वो अट्रैक्टेड है, लेकिन जो उसने काम करना है उससे वो रिपेल्ड है कि उसका मन नहीं है वो वाला टास्क में पार्ट लेने का। ठीक है, अब ये क्या हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइमल्टेनियसली हो गए। दो नेगेटिव क्या हो सकते हैं कि बच्चे को पार्ट भी लेना है उस जो जिसमें उसका मन नहीं है जिस टास्क में पार्ट लेने का, तो नेगेटिव हो गया, और अगर उसने पार्ट नहीं लिया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, अब ये चीज भी नेगेटिव हो गई, पनिशमेंट भी। तो ये जो दोनों चीजें क्या है, पनिशमेंट और मन ना करना उसमें, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, नेगेटिव वैलेंस। तो ये वैलेंस की बात करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब लेविन ने ये जो पूरा का पूरा थियरी हमने पढ़ी, उस पूरी थियरी में से लेविन ने क्या क्लासिफाई किया कि लर्निंग क्या है बेसिकली, क्योंकि लर्निंग की थियरी थी ये, तो लर्निंग जो है वो चेंज है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में, या फिर चेंज इन मोटिवेशन भी हो सकता है, क्योंकि हम बैलेंसेज और वैल्यूज की बात कर रहे हैं। लर्निंग जो है वो एक्विजिशन ऑफ स्किल्स है, लर्निंग इज अ चेंज इन ग्रुप बिलोंगिंग्स, तो लर्निंग ओवरऑल, क्योंकि जब हम जेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होती है कि आपने जो कुछ भी सीखा उससे आपका एक परसेप्शन बन जाएगा, तो लर्निंग जो है वो सभी लर्निंग ऑफ ऑल टाइप्स इन्वॉल्व्स चेंज इन परसेप्शन, कि जो आपने सीखा उसके बेसिस पे आपका जो कोई माइंड में पहले से परसेप्शन था, आप कुछ सोच रहे थे उस चीज से रिलेटेड, तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लर्निंग से क्या हो जाएगा, परसेप्शन में चेंज आता है, ऐसा लेविन का कहना है। फिर अगर हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें इसमें, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, सक्सेस एंड फेलियर, तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात कैसे करेंगे हम, अब इन्होंने दो तरीके के फोर्स की बात की थी, जैसे रिवॉर्ड और पनिशमेंट का एग्जाम्पल हम क्लास में लेके चलते हैं कि लर्नर जो है वो रिवॉर्ड्स की साइड अट्रैक्ट होगा, यानी उसको पता है कि अगर वो फर्स्ट आया क्लास में बच्चा तो उसको क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा, तो ये तो रिवॉर्ड हो गया, ये वो उसकी साइड अट्रैक्ट हुआ, तो ये पॉजिटिव बैलेंस हो गया रिवॉर्ड उसके लिए। लेकिन इसके चक्कर में वो नेगेटिव चीजें भी कर सकता है, उसको हो सकता है फर्स्ट आने के लिए वो चीटिंग कर ले, तो वो जो चीटिंग है उसको रोकने के लिए, यानी जो उसका नेगेटिव वाला साइड है या जो शॉर्टकट मेथड है उसको रोकने के लिए फिर क्या आ गया, एक पनिशमेंट आ गया, तो वो उसको बैरियर या रिस्ट्रेनिंग फोर्स हो गया कि उसको गलत नहीं करना है एटलीस्ट। ठीक है, तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है वो किसके मेजर इंप्लीकेशंस में आ जाएंगे, जब हम कर्ट लेविन थ्योरी की एजुकेशनल इंप्लीकेशन की बात करते हैं। सिमिलरली सक्सेस और फेलियर होगा, क्योंकि सक्सेस और फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आपने गोल अचीव कर लिया तभी सक्सेस है या नहीं किया तब सक्सेस है, तो वो इन्होंने एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस कैसे बताया कि टू रीच अ गोल कॉन्स्टिट्यूट सक्सेस, यानी आप गोल पे पहुंच गए तो वो सक्सेस है, ये पहला पॉइंट।
अब क्या है कि टू गेट विद इन द रीजन ऑफ गोल मे बी अ सक्सेस एक्सपीरियंस, यानी कि आपने एग्जैक्ट एम अचीव नहीं किया लेकिन आप आसपास जो है कहीं पहुंच गए, तो वो भी एक तरीके से एक्सपीरियंस कर लिया आपने सक्सेस को। फिर है टू मेक सम प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ गोल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ सक्सेस एक्सपीरियंस, यानी कि बहुत डिफिकल्ट टास्क था और आपने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। जैसे हम बोलते हैं ना कि अब पहला कदम बढ़ाना ही अपने आप में सक्सेस है, अपने आप में एक जीत है, तो वो पार्टिसिपेशन वाली जो फीलिंग है तो वो भी क्या है एक एक्सपीरियंस जो है सक्सेस का, उसकी बात करते हैं ये। टू सेलेक्ट अ सोशली अप्रूव्ड गोल इज ऑल्सो अ सक्सेस एक्सपीरियंस, कि आपने आप जो काम कर रहे हैं वो सोशली एप्लीकेबल है, सोशली लोग उसको अप्रूव करते हैं, तो वो भी एक टाइप से सक्सेस का एक्सपीरियंस है, ऐसा कर्ट लेविन का कहना है। दूसरा, इन्होंने सक्सेस और फेलियर को किस पे डिपेंड कर दिया, ईगो इन्वॉल्वमेंट पे, कि अगर ईगो इन्वॉल्वमेंट है एंड द लेवल ऑफ एस्पिरेशन, तो ये जो अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट है तो वो क्या होगा, वो सक्सेस और फेलियर से अटैच कनेक्ट कर दिया। कैसे, कि सक्सेस इन ईजी टास्क इज नॉट अ सक्सेस एक्सपीरियंस, कि बहुत ईजी सा था, दो बच्चे हैं एवरेज हैं और आप दो से जो है वो रेस में जीत, दो में से आप एक विनर बन गए, ठीक है, दो दौड़ रहे थे एक बन गया, तो वो ईजी टास्क था। अब 10 बच्चे दौड़ रहे हैं उसमें से आप फर्स्ट आते हो तो वो एक क्या है, डिफिकल्ट टास्क है। अब 10 में से अगर आप सेकेंड भी आ रहे हैं तो वो आपका जो है ये नहीं होगा कि आपको सक्सेस सिर्फ फर्स्ट आने पर मिली, ठीक है। तो इजी टास्क में सक्सेस जो है वो सक्सेस एक्सपीरियंस नहीं माना जा रहा है इसमें। और दूसरा, क्योंकि सिंस इट डज नॉट इन्वॉल्व द ईगो ऑफ द पर्सन, क्योंकि उसको पता था दो ही बच्चे दौड़ रहे हैं और इससे तो मैं आराम से जीत जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब फेलियर की बात आती है तो फेलियर इन वेरी डिफिकल्ट टास्क, कि 10 बच्चे दौड़ रहे हैं रेस में, 10 में से अगर आप फेल हुए, ठीक है, तो वो क्या है, वो कंप्लीट फेलियर एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, कि आप सेकेंड थर्ड या फोर्थ तो हैं, कम से कम 10th तक तो नहीं है, तो वो जब आप डिफिकल्ट टास्क कर रहे हैं एक और तब आप फेलियर अटेंड करते हो तो वो फेलियर एक्सपीरियंस नहीं होगा एग्जैक्टली। फिर है मोटिवेशन के बारे में ही बात करते हैं, कि जब आप रिपीटेडली कोई काम करते हैं, द रिपीटेशन ऑफ एन एक्टिविटी ब्रिंग्स चेंज बोथ इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड इन नीड टेंशन सिस्टम, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस गोल अट्रैक्टिवनेस चेंजेस। लेविन जो है वो ये जो गोल अट्रैक्टिवनेस है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं, जो हमने तीन तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की थी जब हम बैलेंस की बात कर रहे थे, ठीक है। और मोटिवेशन की वजह से बैलेंस में चेंज हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अट्रैक्टिव गोल्स मे लूज अटेंशन इफ द एक्टिविटी रिलेटेड टू देम इज रिपीटेड। यानी कि आप अब गोल्स तो अट्रैक्टिव हैं कि आपको जो है कुछ अच्छा प्राइज मिलेगा, लेकिन जो एक्टिविटी आपने करनी है वो आप बार बार कर चुके हैं, बोर हो गए हैं, ठीक है। दूसरा, जो दूसरी चीज क्या बताई इन्होंने, कि जो चॉइस ऑफ गोल है वो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करेगी, तो वो सेम चीज है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस में अगर आपने चीजें रिपीटेडली कर रखी हैं तो वो क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, वो पहले आप उस चीज में हारे थे जीते थे, वो चीज जो आपके चॉइस ऑफ गोल पे, चॉइस ऑफ गोल को इन्फ्लुएंस करेगी। तो ये जो चीजें हम बात कर रहे हैं ना चारों चीजों की, वो एजुकेशनल इंप्लीकेशन में कैसे आते हैं क्लास में, क्योंकि रिवार्ड पनिशमेंट ये ऑल द ओवरऑल अगर लेविन की थ्योरी से आप इनको कनेक्ट करेंगे तो वो वैलेंस से ही कनेक्ट हैं, जो हमने अट्रैक्टिवनेस टुवर्ड्स गोल की थी या फिर रिपल्शन की थी, तो वो चीज जो है उसी से रिलेटेड है ये वैलेंस से चारों के चारों एग्जाम्पल्स। अब मेमोरी की क्या बात करते हैं, द फील्ड थियरी स्टेट्स द फॉलोइंग रिगार्डिंग मेमोरी। पहला क्या है, टास्क विच हैव नो सेंस इन कंप्लीशन आर नॉट रिमेम्बर्ड, कि अब आप कौन कौन से टास्क याद रखेंगे, तो अब जिनमें कोई सेंस ही नहीं थी और ऐसे ही इजी सा टास्क था तो हो सकता है आपको वो सक्सेस याद भी ना हो। अनफिनिश्ड टास्क आर रिमेम्बर्ड बेटर देन फिनिश्ड टास्क, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेंशन रहेगी आपके दिमाग में कि आपको उस टाइम पे जो है आपने वो टास्क कंप्लीट नहीं किया, तो वो अपने आप में, कई बार बोलते हैं ना कि आपने कोई चीज कंप्लीट कर ली तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, एटलीस्ट हार जीत जो है वो बाद की बात है, कि टास्क कंप्लीट करना है तो वो अनफिन, जैसे अगर आप खतरों के खिलाड़ी देखते हैं तो उसमें कॉम्पिटिशन तो है एक दूसरे से, लेकिन अपने आप अपना टास्क कंप्लीट करना, चाहे वो कितने भी टाइम में कंप्लीट हो, वो भी अपने आप से एक कंपटीशन होता है। तो जो अनफिनिश्ड टास्क हैं, अब किसी ने खतरों के खिलाड़ी में मान लो कोई गया हुआ है सेलिब्रिटी और उस एक टास्क जो है वो नहीं कर पाया, तो वो चीज़ उसको वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है और वो उसको याद रहेगा कि ये वो वाला टास्क जो है उसका अधूरा रह गया था या अबॉर्ट कर दिया था, ठीक है। तो अनफिनिश्ड टास्क को आप ज्यादा बेटर तरीके से याद रखते हैं। टास्क विच लीड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ मेनी नीड्स, अब क्या है कि मान लो आपने जॉब लेनी थी,
एक तो सेटिस्फेक्शन थी कि आपको अपनी मेहनत से जॉब मिल रही है, कि आपने कोई चीटिंग नहीं की उसमें, आपने किसी की सिफारिश नहीं लगवाई। दूसरा जो है उसके बाद आपको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, आपकी नीड्स पूरी हो रही है। तो ये चार पांच चीजें क्या हो गई, कई तरह की सेटिस्फेक्शन हो गई, यानी कई नीड्स आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं। एक है कि आपके जो है पैसों की वैसे भी कमी नहीं थी, बस आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जॉब चाहिए थी। तो एक सिर्फ एक मोटिव होना या एक नीड का कंप्लीट होना या फिर बहुत सारी नीड का सेटिस्फाइड होना, तो ये क्या हो जाता है, वो टास्क आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा जो आपकी बहुत सारी नीड को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमने एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पढ़ा। अगर हम एक बार रिवाइज करके देखें इसको, तो हमने क्या बात की, कर्ट लेविन के बारे में बात की, कैसे उनको फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद हमने एक्शन रिसर्च टर्म जो है वो कर्ट लेविन ने दी है, और इनका जो लीडरशिप स्टाइल से रिलेटेड एक स्टडी रही है वो लेविन, लिपिट और वाइट तीन लोगों ने मिलकर की है। उसके बाद फील्ड थियरी की अगर हम बात करें, तो बिहेवियर जो है वो किसका, इंडिविजुअल का, एनवायरमेंट का, इंडिविजुअल का खुद का, यानी कि बिहेवियर किसका फंक्शन होगा, पर्सन का और एनवायरमेंट का। ये जो है हमने डिफरेंट टर्म्स पढ़ी। ये जो बैलेंस वाला पोर्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेविन ने जो है फिर कैसे कंक्लूड किया, क्योंकि जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में हमने बात की थी कि परसेप्शन जो है उसका चेंज होना, तो लर्निंग जो है वो किस तरह की लर्निंग को लर्निंग माना जाता है, या किस चीज को लर्निंग माना जाता है जो कि परसेप्शन को चेंज करने में इन्वॉल्व रहे या इन्वॉल्वमेंट उसकी हो। फिर जो है हमने एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात की, जिसमें हमने चार चीजों के बारे में पढ़ा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।